हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? जो है हमारे एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जो है बायोलॉजी के पिछले वीडियो में लघु बीजाणु जनन की, यानी लघु बीजाणु जनन होता क्या है, इसके बारे में स्टडी की थी। लघु बीजाणु जनन में हमने बताया था कि किस प्रकार से जो है लघु बीजाणुओं अर्थात पॉलन ग्रेन का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है परागकोश में। ठीक है, अब देखिए वहीं के आगे जो है हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। यानी परागकण का निर्माण हमने वहाँ पर बताया था, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि परागकण का निर्माण तभी होगा जब जो परागकोश होगा, यानी जिसमें परागकण पाए जाते हैं, वो परागकोश अगर परिपक्व होंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को परिपक्व परागकोश का एक डायग्राम बनवाया जाएगा। परिपक्व परागकोश की संरचना बनवाई जाएगी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है ये परीक्षा में ऐसे आता है फिगर बनाने के लिए कि परिपक्व परागकोश की जो है नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, या नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र ही केवल इसका जो है आता है ज़्यादातर। तो चित्र कैसे है, कैसे बनाया जाता है, इसका बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जो है हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, देखिएगा डायग्राम इस प्रकार से जो है आउटलाइन थोड़ा सा खींचेंगे। आप देखते जाइए मेरे हाथ को कि किस प्रकार से मैं चला रहा हूँ, उसी प्रकार से जो है आप लोग आउटलाइन बनाते जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर चढ़ा लेंगे। अगर आउटलाइन हमारा देखने में ठीक ठाक लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा हमारा जो फिगर है वो सही बनने वाला है। ठीक है, तो फिर अगर सही बनने वाला है आपका फिगर, तो उस फिगर पर जो है, उस आउटलाइन पर आप जो है पेंसिल से बढ़िया से चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर का आउटलाइन हमने बनाया, इसी के जस्ट नीचे एक और आउटलाइन बना लेंगे आप लोग थोड़ा सा स्पेस देके। देखिएगा इस प्रकार से हमने इसीलिए पहले फिगर नहीं बनाया क्योंकि हम सोच चाहते हैं कि आप लोग जो हमारे आपके सामने जो हम फिगर ड्रा करें ताकि आपको समझ में आए कि फिगर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हों। देखते जाइएगा बहुत ही ध्यान से फिगर को, क्योंकि फिगर बायोलॉजी में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो फिगर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। बिना फिगर के जो है आप नंबर नहीं ला सकते बायोलॉजी में। ठीक है, तो अगर नंबर उठाना है तो फिगर बहुत बढ़िया बनाना सीखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि हम थोड़ा सा कम बोल रहे हैं इस समय तो आप जो है वीडियो बंद कर दीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से ड्रा हो चुका है, आउटलाइन हमने तैयार कर लिया इसका। आउटलाइन देखने में ठीक ठाक लग रहा है तो जो है फिगर इसका जो है बना लीजिए अब। ठीक है, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जो बना है आउटलाइन उसी के ऊपर चढ़ा देना है। तो देखिए पहला लाइन ये वाला हमने बनाया था, इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लाइन था हमारा ये वाला था, उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये चढ़ा दिया। तीसरा लाइन हमारा तीसरा वाला ये था और फिर इधर ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से
इस प्रकार से हमने जो है फिगर को ड्रा कर लिया। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों के, बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है फिगर को बनाइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें हम दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इसमें जो है छोटे छोटे आप सेल्स बना दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग इपीडर्मिस बोलते हैं। आप पेंसिल से ही बनाएंगे फिगर, और इसमें जो है ऊपरी लाइन के लिए थोड़ा सा लाइट पेंसिल का यूज करेंगे, उसके बाद थोड़ा डार्क पेंसिल से यूज करेंगे ताकि हमें जो है अलग अलग लेयर अलग अलग प्रकार से दिखाई दे। ठीक है, पेन से नहीं बनाना फिगर को। इसी तरह से नीचे वाला भी बना दीजिए, पहले बीच वाला बना लीजिए। बनाते जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। अब आपको समझाना है, हमें केवल बनाना होता तो बहुत ही जल्दी बना देते। तो इस प्रकार से आप लोग फिगर बनाइए। ठीक है, तो ये फिगर हमारा ऊपर वाला लेयर कंप्लीट हो चुका है, उन्हें बना लिया है। अब जो है इसमें आपको इस प्रकार से गोले बना देने हैं छोटे छोटे। ठीक है, अभी सबके बारे में बता रहे हैं गोले हैं क्या चीज, पहले बना लीजिए आप लोग। ठीक है, इधर भी ऐसे ही किताबों से आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा बनाने में। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और इसी से सीखने का प्रयास करिएगा फिगर को। अब इतना काम करने के बाद जो बाकी चीज़ें बची हैं उनमें जो है हम लोग सेल्स भर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सेल्स बना दीजिए इसमें, जहाँ जहाँ जगह खाली दिखाई दे पूरे में ऐसे सेल्स। हाँ, ऊपर एक चीज़ और बनाना है, यहाँ पर एक गोलाकार काले से इसको ही बना देना, थोड़ा अलग दिखाई दे। एक गोलाकार वैस्कुलर बंडल बना देना है आपको संवहन ऊतक, फिर जो है चारों तरफ आप सेल्स बना दीजिए। सेल्स जो है ज़्यादातर इस प्रकार से बनाइए आप लोग, षष्ठकोणीय। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग केमिस्ट्री में बनाते हैं कुछ उसी प्रकार का, अगर आपके पास जगह हो तो बनाते जाइए। देखते रहिए फिगर को ध्यान से। ऐसे ही पूरे कॉपी में जहाँ जहाँ जगह खाली है इसमें वहाँ पर जो है सेल्स बना लेंगे हम लोग। इधर भी ऐसे ही बना दीजिए जैसे यहाँ पर बनाया गया था। ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है पूरा बना लिया। अब थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है इसको बोलते हैं इपीडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा। नामकरण हमने बताया था, आप लोग इंग्लिश में तैयार करिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर सप्लाई, वैस्कुलर सप्लाई, यानी यहीं से जो है संवहन
रसों का जो है संवहन, ऊतकों के माध्यम से संवहन, रसों का जो है संवहन होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, परागकण है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन है हमारा जो परागकोष है वो परिपक्व हो चुका है, इस कारण जो है पराग जो है परागकण आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं निकले हुए, ये भी वही चीज़ है, पोलन ग्रेन ही है, परागकण है। एक और नाम इसका हमने बताया था कि परागकण को और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये जो लेयर है इस लेयर को टेपिटम कहते हैं, लेकिन ये टेपिटम धीरे डीजनरेट हो जाता है तो डीजनरेटिंग टेपिटम लिखेंगे, डीजनरेटिंग टेपिटम, डी ई जी ई एन ई आर ए टी आई एन जी, डीजनरेटिंग टेपिटम इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस हुई, उसके बाद अंदर वाली और थोड़ा सा आएंगे, इसको हम लोग एंडोथीसियम बोलते हैं, इस वाली लेयर को एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है, ई एन डी ओ टी एच ई सी आई यू एम, एंडोथीसियम, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बचा है, इसको स्टोमियम बोलते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, इसको बोलते हैं स्टोमियम। तो ये संरचनाएं आप लोगों को एक परिपक्व परागकोष में दिखाई देती हैं। परिपक्व परागकोष का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, ये टीएस है, टीएस ऑफ मैच्योर पोलन सैक, यानी परागकोष का अनुप्रस्थ काट, यानी परिपक्व परागकोष का जो है अनुप्रस्थ काट है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर जो होती है वो एंडोथीसियम होती है, यहाँ पर जो है वैस्कुलर सप्लाई पाया जाता है, ठीक है। वैस्कुलर सप्लाई मतलब संवहन नलिका होती है यहाँ पर, जिसके माध्यम से जो है द्रव पदार्थों का संवहन होता है, भोज्य पदार्थ एवं जल का संवहन होता है। यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन है, कुछ छितरा हुआ दिखाई दे रहा है, न्यूमेरस होते हैं, असंख्य होते हैं। ये जो लेयर है ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है, जिसको डीजनरेटिंग टेपिटम कहते हैं। यही जो टेपिटम है वो पोलन ग्रेन को यानी परागकण को जो है पोषण प्रदान करती है। अब परागकण का निर्माण इसमें होता कैसे है, तो इसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो निर्माण करता है स्पोरोजिनस सेल का यानी बीजाणु जनन कोशिका का, स्पोरोजिनस सेल का यानी बीजाणु जनन कोशिका का। और ये जो बीजाणु जनन कोशिका है, स्पोरोजिनस सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कार्य करता है, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करता है। और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी स्पोरोजिनस सेल जो है बाद में मियोसिस डिवीजन करके यानी अर्धसूत्री विभाजन करके जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है यानी लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पोलन ग्रेन का जो है निर्माण होता है। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं, नहीं आगुणित इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है। जैसे अपनी हम बात करें, हम लोगों में क्रोमोसोम जो होता है वो डिप्लॉयड के केस में होता है 2n की संख्या में, ठीक है। लेकिन इनमें जो टोटल क्रोमोसोम होता है उसका आधा होता है, ठीक है, नहीं हैप्लॉयड होता है। जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 × 23 यानी n की जगह पर क्या हो जाएगा 23। अब अगर इनमें सपोज दैट मान लें इनकी पूरी कोशिकाओं में जो है 46 क्रोमोसोम है, तो n की जहाँ पे हो जाएगा क्या 23, यानी इसमें जो है 23 ही क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, यानी हैप्लॉयड होते हैं, उसके आधे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये पूरी चीज़। तो इस प्रकार से जो है परिपक्व परागकोष की संरचना होती है। इसको बहुत ही ध्यान से जो है 2-3 बार वीडियो को देख के बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में।
ठीक है, यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो ये जो संरचना हमने बनाई वो परिपक्व की बनाई है। अगर ये परिपक्व ना होता तो वहाँ पर आपको ये जो लेयर दिख रहे हैं एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के, यहाँ पर लेयर होते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के, फिर वो बनाता है स्पोरोजिनस सेल और उसका मियोसिस डिवीजन होकर तब माइक्रोस्कोप बनता, ठीक है। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाता है तो जो है पराकण बन ही चुके होते हैं इसमें, और ऊपर वाली लेयर को हम लोग जो है एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे एंडोथीसियम कहते हैं, और जो ये टेपिटम है वो डिजेनरेटिंग रहता है यानी समाप्त होने वाला होता है, यानी नष्ट हो रहा होता है, और ये किसको पोषण प्रदान करता है, इसको पोषण प्रदान करता है। तो एक परिपक्व परागकोष में जो है, जब परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद उस परागकोष का जो है विभाजन हो जाता है, ठीक है, अपने आप वो जो है फट जाता है, और फिर ये परागकण जो है मुक्त हो जाते हैं और जाकर जो है मादा के भाग पर यानी वर्तिकाग्र पर जाते हैं और वहाँ से जो है जनन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को आप लोग बहुत ही ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। धन्यवाद।